लालकुआ पहुंचे प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। धामी नदी प्रदेशवासियों को होली की बधाई। कांग्रेस ने अंतर्कलह को खत्म करने के लिए उठाए कदम, नियुक्त किया राज्य प्रभारी, प्रभारी लगाएंगे हार के कारणों का पता। कांग्रेस में घमासान जारी, पूर्व विधायक गोविंद सिंह गुंजवाल ने पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पर उठाया सवाल, कहा अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से चला रहे संगठन। पौड़ी में शिक्षक पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, अभिभावकों ने दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लालकुआं पहुंचे प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें बधाई दी। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं में गरीबों और किसानों के अटूट विश्वास की जीत है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, और इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं में गरीबों और किसानों के अटूट विश्वास की दरअसल जीत है। लालकुआ क्षेत्र की जनता को, पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर और जो काम उत्तराखंड के अंदर उनके नेतृत्व में हुए हैं उन सभी पर मोहर लगाई है। और मोदी जी का जो एक सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को साकार करने के लिए उत्तराखंड की जनता ने एक प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है, और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता की जो अपेक्षाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, जो उनका विश्वास है, उस पर हमारी आने वाली सरकार खरा उतरेगी। उत्तराखंड में सत्ता हासिल करने की कवायद में जुटी कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। ऐसे में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी तैयारी की थी उसके अनुरूप परिणाम भी सामने नहीं आए। ऐसे में पार्टी ने सभी 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। अब पार्टी में आपसी गुटबाजी और अंतर्कलह को समाप्त करने और आपस में सभी नेताओं को एकजुट करने के लिए कांग्रेस ने सभी राज्यों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो इस बात का पता लगाएंगे कि चुनाव के दौरान आखिर कौन सी ऐसी कमियां रह गई जिससे कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से कहा त्याग पत्र, तो हमारे 5 अध्यक्षों ने त्याग पत्र दिए हैं। जब अध्यक्ष का त्याग पत्र हो जाता तो उसके बाद कुछ चीज बचती नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सर कैसे उभरेंगे सर इस ऐसी स्थिति से, जब 2 से बीजेपी यहाँ पहुँच सकती है, हम तो 19 है, आप निश्चिंत रहिए। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो जनता जनादेश देती है, जनता ने जनादेश दिया कि कांग्रेस विपक्ष में बैठे, हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और जनहित से जुड़े विषय हैं तो सदन से सड़क तक उठाने का। विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस के अंदर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सल्ट से प्रत्याशी रहे रणजीत रावत के बाद अब जागेश्वर सीट से चुनाव लड़े गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हार का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को संगठनात्मक कमजोरी के कारण हार का सामना करना पड़ रहा है। कुंजवाल के अनुसार चुनाव से पहले कांग्रेस ने गणेश कोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष तो बदल दिया लेकिन अन्य टीम को नहीं बदला गया। संगठन में अन्य पदों पर आसीन लोग वही थे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के समय में थे। कुंजवाल अनुसार जब बदलाव होना था तो जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक ढांचे को बदला जाना चाहिए था, लेकिन प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
लक्सर शुगर मिल में लगातार घटतौली को लेकर हर रोज हंगामा देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर घटतौली को लेकर किसानों ने हंगामा किया, जिसकी सूचना किसानों ने खानपुर से विधायक उमेश कुमार को दी। सूचना मिलते ही विधायक उमेश कुमार लक्सर शुगर मिल पहुंचे और शुगर मिल प्रबंधन से बातचीत की। उन्होंने बताया कि एसडीएम से बात हो गई है, घटतौली को लेकर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसी के साथ ही मुकदमा दर्ज कराकर कांटे की जांच भी कराई जाएगी। मायन की ट्रॉली आई थी मील में, ये मील वालों ने कांटा करा अपना पहले कांटे पे, ठीक है जी। और उसके बाद में जब हमने मील में ही दूसरे कांटे पे करा, चिन्नी कांटे पे, उसमें ये आया डिफरेंस 94। हाँ, उसके बाद चेयरमैन वगैरह ने आके समझौता करा दिया और इन्होंने हमारी पर्ची खाली करा दी। उसके बाद में हमें यह दे दी, हम एक घंटे से परेशान हैं। जब किसी ने नहीं सुनी, फिर हमने माननीय विधायक जी पे फ़ोन किया, वे तत्काल आए। तो ये आज सारे जितने भी अधिकारी है सारे लाइन में खड़े हुए हैं, वरना ये पंखे के नीचे से निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। एक घंटे से हम लिए हुए फिर रेस पर्ची को, खाली ट्राली बाहर खड़ी है जी, जिसे शक हो जाके देख लो। और ये इनकी हालत है, और ये आज से नहीं, पिछले 10-15 दिन से चल रहा। कहते हैं कि जो हो जाएगा, कहते हैं हो जाएगा, रोता कुछ नहीं है। एक हमारे किसान हैं, उनकी शिकायत आई कि गन्ना मिल में जो कांटा लगा हुआ है उस पर उनकी जो ट्रॉली थी वो तुलाई करवाने के बाद आगे गए, तो उन्होंने, उनको शक हुआ कि मेरी ट्रॉली में गन्ना ज़्यादा है, तो उन्होंने दूसरे कांटे पर उसकी तुलाई करवाई। तो पहले कांटे पर 85 के करीब तुलान हुआ था और दूसरे पर हुआ 94, तो ये लगभग 9 क्विंटल का फ़र्क आया, लगभग 5000 रुपये के गन्ने का फ़र्क आया अगर कीमत देखें तो। उन्होंने जब यहाँ पर काफ़ी देर से परेशान थे, सबको फ़ोन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उनका फ़ोन हमें पहुँचा तो मैं तत्काल यहाँ शुगर मिल पहुँचा, यहाँ पे इनके अधिकारियों से बात की है, एसडीएम को मैंने बोल दिया है, मैंने कहा अभियोग पंजीकृत करें, मुकदमा दर्ज करें, पुलिस बुलाई है, मुकदमा दर्ज करा के कांटे की जांच कराएंगे, क्योंकि अगर किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, वो तो छला जा रहा है उनको, तो ये ठीक नहीं है। और अगर मेरे क्षेत्र के किसान को कोई तकलीफ होगी तो मैं बिल्कुल बख्शने वाला नहीं, कोई भी हो। श्रीनगर गढ़वाल से विधायक धन सिंह रावत जीतने के बाद इन दोनों क्षेत्र के दौरे पर हैं। श्रीनगर विधानसभा के कई क्षेत्रों का दौरा करने के बाद श्रीनगर पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही मंच से जनता को संबोधित करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि अब यूपी की तरह श्रीनगर और पूरे प्रदेश में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर धन सिंह रावत ने कहा कि पार्टी आलाकमान जिसे मुख्यमंत्री बनाएगा वही सभी को मंजूर होगा। देखिए, मैं 4 दिन से अपने विधानसभा में सबको धन्यवाद देने के लिए गया था। लगभग 65 कार्यक्रम हम लोगों ने किए और जितना हमारा कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो सब लोग बड़े कार्यक्रम में सब लोग आए थे। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने सहयोगी सभी मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों का, अपने सांसद जी का, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों का और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने गया था कि सब लोगों के अथक प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, मैं भी यहाँ से विधायक बना हूँ। और अब हमारा एक ही ध्येय है कि विकास के काम जो अभी 2 महीने आचार संहिता के कारण थोड़ा से रुक गए थे, अब उनको तेज़ी से काम जल्दी शुरू हो जाए। और मेरा एक ही टारगेट है कि हम 70 विधानसभाओं में श्रीनगर विधानसभा एक मॉडल विधानसभा के रूप में आगे। तो यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है।
ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। आज की हमारी रिपोर्ट आपके लिए दिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम कुंभ की नगरी हरिद्वार आए हैं एक कहानी लेकर। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार, और यह हरिद्वार का ज्वालापुर इलाका है, जहां पर स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में चलने वाला अस्पताल स्वामी राम प्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल मौजूद है। ऐसे इनके अंडर में आने वाले तकरीबन 10 अस्पताल हैं, जहां पर शिविर लगाकर मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसके साथ ही अस्पताल 24 घंटे रनिंग में है। आज हम इस कहानी को कवर करने क्यों आए, इस कहानी को, इस स्टोरी को कवर करने का हमारा इरादा सिर्फ ये है कि हम आपको ये बता सकें कि किस तरीके से समाज में कुछ लोग हैं जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, और कई दफा इनकी कहानियां आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आज हम यहां आए हैं, यहाँ किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है, किस तरीके से स्वार्थ को न लाकर सामने, बिना स्वार्थ के किस तरीके से डॉक्टर्स, किस तरीके से यहाँ पर पूरा स्टाफ किस तरीके से लोगों के लिए काम करता है, ये हम सब आपको बताएंगे। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी का नौवां हॉस्पिटल, जो कि हरिद्वार में 24 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ है, इसमें हम साधु संत और जो निर्धन या आर्थिक रूप से जो असमर्थ हैं, उन लोगों की हम मदद करते हैं, उनको हम फ्री इलाज करते हैं उनका। हमारे यहाँ हर संडे को सुपर स्पेशलिटी कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कि बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, और ये कैंप्स पूरी तरह से निःशुल्क रहते हैं। तो लालकुआ में हर तरफ होली की धूम देखने को मिल रही है, जहां स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज की छात्र छात्राएं और स्थानीय महिलाएं या पुरुष, सभी रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हल्दूचौड़ बिंदुखत्ता में भी लोग धार्मिक परंपरा के महत्व को समझाते हुए होली के इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस पर्व पर क्षेत्र के सभी लोग भारी संख्या में एकजुटता के साथ होली के त्यौहार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो मैं सभी आवाम को इस होली की पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा, और उसके बाद हम लोगों का जो ये होली का कार्यक्रम चलता है, हम इंदिरानगर सेकंड बिंदुखत्ता से हैं, माँ हाट काली के मंदिर से हम लोग इस निशान को बात कर, वहाँ से इस चीज़ को बात कर, हम लोग समस्त अपने इंदिरानगर सेकंड क्षेत्र में घूमते हैं, हर घर में ये निशान जाता है, और सर्वप्रथम इस निशान की पूजा घर के स्वामी के द्वारा की जाती है, और सभी को रंग अबीर गुलाल का टीके के साथ उस होली के निमंत्रण दिया जाता है। उसके बाद रंगों के साथ, मिष्ठान के साथ, गुड़ इत्यादि के साथ, और रंगीले अंदाज में आप देख सकते हैं हमारे पूरा, हमारा पुष्कर भाई हमारे छोलिया नृत्य के जो ग्रुप है, पिछले लगभग 3 से 4 सालों से लगातार ये अपनी सेवा हमारे इस क्षेत्र में देते हैं। एकजुटा आप देख ही रहे हैं, ऐसे मनानी चाहिए होली की हंसी खुशी से, कोई दुखी भी है तो उसको भी खुश करने का काम हम करते हैं। मेरा नाम है पुष्कर, मैं उनको करता हूँ खुशकर राजू, और कहीं पर भी हम लोगों से या किसी से भी गलती होती है, उस गलती को हम ऐसे हंसी खुशी में मिटा देते हैं।
पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के तहसील चौबट्टा खाल के अंतर्गत जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सुरखेत के शिक्षक पर विद्यालय के छात्राओं के अभिभावकों ने छात्राओं से छेड़खानी करने का आरोप लगाया, जिस पर अभिभावकों की तरफ से छात्राओं से छेड़छाड़ के संबंध में राजस्व पुलिस को तहरीर भी दी गई, जिस पर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की फिलहाल जांच पड़ताल छूट गई है। उधम सिंह नगर के नए कप्तान मंजुनाथ टीसी ने 34वें कप्तान के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क हादसे उनके क्षेत्रों में कम हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। अगर हादसों पर लगाम नहीं लगेगी तो पोस्टिंग भी उसी आधार पर की जाएगी। जिसके उधम सिंह नगर के कार्यभार प्रमाण हमने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया है, तो इसके पूर्व में भी 5 साल पहले लगभग 1 साल का कार्यकाल मेरा रहा है ASP के रूप में। तो यहाँ उधम सिंह नगर का अपने आप का चैलेंजेस है। सबसे पहला तो ये सीमावर्ती जनपद है जहाँ से क्राइम हो या ड्रग्स हो, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो, इन सब का चैलेंजेस रहता ही है, इंटर स्टेट क्राइम्स का। उनको प्रभावी रूप से टैकल करना है, इसके लिए आंसर है प्रभावी पुलिसिंग, नॉर्मल पुलिसिंग को सुदृढ़ीकरण करना। उसके अलावा एक आज की डेट में ड्रग्स एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू बन गया है युवाओं में, तो ड्रग्स को टैकल करने के लिए हमारे को 2-pronged स्ट्रैटेजी है। एक तो माल या फिर नशेली सब्सटेंसेस को बरामद करना, दूसरा युवाओं को अवेयर करना, अवेयरनेस और एजुकेशन करा के उनको नशे की तरफ से दूर लेके जाना, तो इस प्रकार की कार्यक्रमों को भी कराना। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रैफिक। ट्रैफिक में भी हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, जिस पर हम छोटी छोटी कदम उठाएंगे। कोई भी डायरेक्ट और बड़ा कदम ना उठाने से छोटे छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स यूज़ करके, जिससे 2 चीज़ें हो जाए, एक तो एक्सीडेंट्स कम हो जाए, दूसरा लोगों का आम सफ़र जो है उसको और थोड़ा सा सहूलियत भरा हुआ बना जाए। तो सूबे में होली से एक दिन पहले ये होली की धूम देखने को मिल रही है। वहीं लालकुआ के हल्दूचौड़ क्षेत्र में होली को लेकर लोगों से बातचीत की। लालकुआ से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र आर्य, आप भी सुनिए क्या कहा लोगों ने। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची है लालकुआ के हल्दूचौड़ क्षेत्र में। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम पहुंचे हैं हल्दूचौड़ में और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक नज़ारा दिखाए। होली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाया जा रहा है। मातृशक्ति देखिएगा, पूरे हर्षोल्लास के साथ यहां पर होली का त्यौहार मना रहे हैं। मातृशक्ति मौजूद है, सीधे हम बात करेंगे, एक बालिका हमारे साथ मौजूद है, सीधे बात करेंगे। होली किस तरीके से मनाई जा रही है? आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। रंगोत्सव सीजन 2 में रंगों की होली, नशा मुक्त होली का आयोजन रखा गया है। इसमें जिस प्रकार नशा मुक्त होली का आयोजन रखा गया है, और आप सब देखना चाह सामने रंग पानी की होली और रंगों की होली, विदाउट केमिकल रंगों की होली, खूब हम इंजॉय कर रहे हैं। देखिए हमारी मातृशक्ति और हमारे बड़े भाई मनीष जी, धीरज भाई और गौतम भाई, पीछे पवन जी, और इसी तरह हम होली का आयोजन आगे को कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। विगत कितने वर्षों से होली का आयोजन किया जा रहा है? काफी लॉन्ग टाइम से हम ये होली का आयोजन करते जाते हैं, अभी हमारा सीजन 2 चल रहा है। देश को क्या संदेश है होली के प्रति? रंगों की होली, जैसे होली रंगों में आती वैसी इंसान रंगों में ढलता है, तो हर बार नए नए तरीके से इंसान रंगों में रंगे। तो ये देखिएगा किस तरीके से होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज जोशी, मैं छात्र संघ सचिव LBS कॉलेज। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाया। हम पिछले 1 साल से इस प्रोग्राम को करते हुए आ रहे हैं, ये हमारा दूसरा सीज़न है होली का। हमारा मेन उद्देश्य इसका यह है कि हमें नशा मुक्त होली को आगे ले जाना है, क्योंकि ये होली से लोगों को नशे की आदत छूटे। किस तरीके के रंगों का इस्तेमाल आपके द्वारा किया जा रहा है और क्या संदेश है प्रदेशवासियों के लिए? हम ऑर्गेनिक कलर का यूज़ कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनिक कलर की तरह लोगों की ज़िंदगी भी मतलब खूबसूरत बने, और हम आशा करते हैं कि पूरे विश्व में इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। तो देखिएगा, इन्होंने बताया कि होली को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और नशा मुक्त होली यह है। देख सकते हैं पीछे महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर कुमाऊनी रीति रिवाज के आधार पर, उत्तराखंड के या जो झोड़ा चाचरी है उसके आधार पर चाचरी कर रहे हैं। आगे भी हम दिखाएंगे, देखिएगा
ये होली का ये नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे। एक युवा साथी और मौजूद है, उनसे बात करेंगे होली के विषय में। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? सुशील यादव। किस तरीके से होली को मना रहे हैं? होली को सभी लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हल्दी चौड़ पे ये जो हमारे युवा साथियों ने सभी ने वर्षा शाह जी हैं, धीरज जी हैं और मनीष जी हैं, सभी को बुला के होली का पर्व बनाया है। इसीलिए मैं तहे दिल से पहले तो इन सभी युवा साथियों का धन्यवाद करूंगा और सभी को पुनः एक बार होली की सभी को बधाई। यहाँ क्या संदेश है प्रदेशवासियों के लिए, क्या संदेश है देशवासियों के लिए होली के अवसर पर? प्रदेश और देशवासियों के लिए, सभी के लिए ये पर्व बहुत अच्छा रहे और सभी के लिए खुशी आए सभी के जीवन में। और एक अच्छी मुहिम भी आपके द्वारा छेड़ी गई है रंगोत्सव कार्यक्रम में, जो नशा मुक्त होली आप लोग मना रहे हैं। एक क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि आज का युवा नशे के प्रति लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आपके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास है नशा मुक्त होली मनाने का, क्या संदेश है युवाओं के लिए नशे को छोड़ने के लिए? देखो, सबसे हमारा जो युवा है, प्रदेश का युवा नशे की जद से बचे, ये हमारी मेन मुहिम है और हमने पूरी कोशिश करी कि नशे से दूर रहे युवा। जब युवा नशे से दूर रहेगा तभी हमारा प्रदेश उन्नति करेगा, तब प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी ने मिलकर जो प्रोग्राम किया है नशा मुक्त, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ऐसा आगे भी करना चाहिए। धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके ने बताया कि नशा मुक्त होली ये लोग मनाते रहेंगे। एक सदस्य और मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। भाई साहब नाम क्या हो आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह कन्याल है और केटू मार्ट बिंदु खत्ता में मेरा केटू सैनिक मार्ट के नाम से मेरा मार्ट है, वहाँ पर मैं उसका ऑनर हूँ और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। जी जी, रंगोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है और रंगों की होली, नशा मुक्ति होली, ये बहुत अच्छा अभियान है, क्या संदेश है युवाओं के लिए? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इतनी सर्विस करने के बाद फर्स्ट टाइम इस प्रकार का मैं एटमॉस्फेयर देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो हमारी माताएं बहनें और जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर इस संस्कृति को अभी जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपने युवाओं को, अपने जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए और अपनी संस्कृति को, अपने इनको बचा के रखिए। तो क्या संदेश है आज का युवा नशे की ओर लगातार अग्रसर देखा जा रहा है, क्योंकि आज का युवा लगातार नशे की ओर है, क्या संदेश है युवाओं के लिए? देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि जो ये नशा है ये एक दीमक की तरह है जो कि हमें अंदर से खोखला कर देता है और जिस लकड़ी में दीमक लग जाता है वो लकड़ी किसी काम नहीं आती है, सभी को पता है। तो इस नशे से दूर रहिए, सुंदर साफ स्वस्थ होली मनाइए और जो है इस नशे से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही हमारा सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारा समाज अच्छा रहेगा। जहाँ समाज अच्छा रहेगा वहाँ हमारा राज्य अच्छा रहेगा, जहाँ राज्य अच्छा रहेगा वहाँ हमारा देश अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो देखिएगा, इन्होंने बताया कि साहब नशा मुक्त होली हम लोगों को बनानी होगी क्योंकि आज का युवा लगातार नशे की ओर जा रहा है। मैं चाहूँगा एक नज़ारा और दिखाएं कैमरामैन, किस तरीके से देखिएगा मातृशक्ति होली यहाँ पर मना रही है, हर्षोल्लास के साथ ये होली मनाई जा रही है। पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया से धर्मेंद्र आर्या, लालकुआ। दिनेशपुर में आप पार्टी के जिलाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ सुभाष व्यापारी की तरफ से सुरेंद्र नाथ इंटर कॉलेज दुर्गापुर में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में लोगों ने गीत संगीत डांस का लुत्फ भी उठाया। होली भारतीय परंपराओं के अनुसार होली हमारे समाज को एक मैसेज देता है, सामाजिक सौहार्द प्रेम उत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं। अब लोगों ने इसको दूसरे रूप में ले लिया है तो समाज को उससे वापस आना चाहिए, युवाओं को वापस आना चाहिए और जो त्यौहार का जो असली जो संदेश होता है उसको हम सबको पालन करना चाहिए। होली के पावन पर्व बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सारे मतभेद भुलाकर हमको एकजुट होकर एक साथ समाज में प्यार के साथ रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। रुद्रपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर महामाया पेंट की दुकान से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने दुकान में काम करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से लाखों की नकदी और दो चेक भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है।
इनके द्वारा एक पहल की गई कि लगभग 4 लाख के करीब में रुपया इनके काउंटर से किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली है। सूचना पर हमारे द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके इंस्पेक्टर रुद्रपुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके और CCTV और अन्य की मदद से एक लड़के को आइडेंटिफाई किया गया, विक्की कौशल को, जो कि इनके वहाँ काम में लड़का करता है। ये लड़का उस दिन रात में जब सारे कर्मचारी जा रहे थे तो ये पीछे गोडाउन में जा करके छुप गया और छुपने के बाद इसने जो काउंटर है काउंटर से इसने लगभग 4,52,000 के करीब में जो वहाँ पर रकम थी निकाल करके ले करके और ये अपने घर चला गया। और जब ये लड़का वेरीफाई हो गया CCTV कैमरे के माध्यम से तो फिर हमारी टीम ने इसको पकड़ के पूछताछ करी। 100% जो रकम थी और जो चेक ये जो लड़का लेके गया था उसको हमने रिकवर कर लिया है। पहले ही इसमें मुकदमा 380 IPC में पंजीकृत थी, बाद में 411 और 457 IPC की बढ़ोतरी करके आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।